हेलो फ्रेंड्स, और ख़ास करके मेरे छोटे छोटे स्कूल गोइंग फ्रेंड्स। क्यों आजकल आप फ़ोन पर गूगल पर दिवाली वाले चित्र ढूंढ रहे हो? सही बात है ना? तो इसीलिए ये दो चार चित्र मैं दिवाली के ही बना रही हूँ। तो विलेज का दिवाली सीन के चित्र तो बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सिटी वाला दिवाली सीन बनाया जाए। इसीलिए ये बिल्कुल आसान सी बिल्डिंग्स मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में बना रही हूँ। आप देखना, बिल्कुल ब्लॉक्स ब्लॉक्स बना के एकदम आसानी से हम लोग बिल्डिंग्स बना सकते हैं। और बिल्डिंगों पे लाइटिंग की है और लोग खड़े हैं ऐसा दिखाया है। ये सब हम रफ वर्क कर रहे हैं, फटाफट रफ वर्क कर लेंगे और बाद में हमें जब अच्छा लगे सब कुछ अरेंजमेंट, तो हम इसको स्केच पेन से या तो परमानेंट मार्कर से पक्का बना लेंगे। यहाँ पे पीछे एक घर है छोटा, अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स है, कुछ बड़ी कुछ छोटी, और एक घर है, थोड़े बहुत पेड़ है क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती, तो थोड़े बहुत पेड़ दिखाए हैं। और बैक और फ्रंट, ये सब बैकग्राउंड का है, और फ्रंट में बच्चे क्रैकर्स एंजॉय कर रहे हैं वो हम दिखाएंगे। तो ये एक लड़का है, उसके हाथ में फुलझड़ियाँ हैं। यहाँ पे एक लड़की है, वो भी फुलझड़ियाँ उड़ा रही है। देखिए आजकल सिटीज़ में क्रैकर ज़्यादा तो हमें मतलब बैन ही रहता है, और पोल्यूशन वाइज वैसा भी इतना अच्छा नहीं है, तो हम सिंपल क्रैकर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे जो हार्मलेस है, जिसका नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता। एक छोटा सा लड़का है, तो ठीक ठाक लग रही है ना अरेंजमेंट। अब हम करेंगे स्केच पेन से वर्क। बट एक गलती मैंने कर दी है कि इस बेचारे से बच्चे को मैंने बिल्कुल डे टू डे के कपड़े पहना दिए थे, तो मैं उसको चेंज करके यहाँ पे उसको अच्छा सा रेशमी जब्बा कुर्ता पहनाऊँगी, जब्बा पजामा पहनाऊँगी। और ये लड़की का ड्रेस ठीक ठाक है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा पेंसिल से बनाया उसी को हम लोग ट्रेस कर देंगे। देखिए अब ये जो पहला वाला लड़का है वो कैसे अब बिल्कुल राजकुमार सा दिख रहा है ना नए नए कपड़ों में। तो त्यौहार है तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि डेकोरेशन कैसे होते हैं, कपड़े कैसे होते हैं। अभी ये बच्चा उम्र से ही तो छोटा है, पर फिर भी उसने ये कुर्ता पजामा पहना है क्योंकि इट इज़ दिवाली। और ये बिल्डिंग्स को भी हम लोग पक्का कर लेते हैं, फिर बाद में उसमें हम कलर भरने जा रहे हैं पेंसिल से। तो आपका टाइम बचाने के लिए आगे कलरिंग का पार्ट मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। तो कैसा लगा आपको ये चित्र बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे सब्जेक्ट ड्राइंग्स और छोटे छोटे क्यूट से ड्राइंग्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे। अब तो करीब करीब 800 वीडियोस मेरे चैनल पर हो गए हैं, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे आप जो भी सर्च कर रहे होंगे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको छोड़ जाती हूँ इस वीडियो पे यहाँ पे, और आप देख लेना और ज़रा बारीकी से देखना क्योंकि इस चित्र में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। तो देखते हैं कौन पहचान पाता है एक बहुत बड़ी वाली गलती, और आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैंने क्या मिस्टेक की है, और आप मत रिपीट करना वो मिस्टेक, करेक्ट करके लेना, ठीक है? तो बच्चों एंजॉय योर दिवाली, बी हैप्पी, बी सेफ एंड एंजॉय योर दिवाली। खूब खाइए पिए, ड्राइंग कीजिए और पटाखे थोड़े बहुत ही उड़ाइए, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय।